अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक वरीशा, ईद मुबारक। आज ईद का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है और आज हम अब वरीशा की नन्ना के घर आए हैं, है ना वरीशा? हम कहाँ हैं? और आज अम्मी के घर दावत है। हाय कर दो इजना। हाय राफे। वरीशा और ये है मेरा आज का आउटफिट और ये पीछे एक चुड़ैल जा रही है हमारे घर की। चले जी चलते हैं किचन में, देखते क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है प्रोसेस। ओह माय गॉड, चीज़ क्या बन रहा है रूमा? ओह माय गॉड, रूमा ने बनाए हैं ब्रेड। इसमें है छोले जो गोद के गरम हो रहे हैं। माय गॉड, इसमें है अचार। ये देखें, ये लड़की जो है ना, ये बहुत शरारती लड़की है तो है ना, तो दो दिन की मसरूफियात की वजह से हमारी वीडियो शूट नहीं हो सकी है और कल रात में ही आ गई थी हम अम्मी के घर ताकि अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करा सकें। ये देखें सारा नन्ना का सामान निकाल के नाना पू का इधर उधर फेंक रही है। वरीशा क्या कर रही हैं आप? जो को दो, ये में कहाँ है, ये कहाँ है, में हैं दिखाएं, दिखा तो दें आप मुझे। ओ वाह, इनमें तो छोरे चीज़ें, वाह इतनी सारी चीज़ें। नाना पू मारेंगे जी, मारेंगे। चलेगा इसमें मिल। तो अब यहाँ मैं नेल पेंट लगा रही थी तो आप लोग बताएं गाइस कि आप लोगों की ईद कैसी गई, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। मेरा तो बस दो दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, आज थोड़ा टाइम मिला था तो सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ। कल भी कर नहीं पाई थी, परसों भी नहीं, उससे पहले भी नहीं कर पाई थी। तो जी यहाँ देखिए मेरी नेल पेंट लग रही है, अच्छी लग रही है ना। ये देखें, ये बनाया है रूमा ने पेटीज। तो गाइस ये स्नैक्स में बनाए हैं रूमा ने, सुकड़ापा दिखाया है बट नो डाउट इट्स टेस्टी दिखा। ये बेक हो रहा है, तू मैं नहीं, मज़ा आ गया रूमा। एग वॉश, ये देखिए ये हो रहा है यहाँ पे एग वॉश। ये सारी तैयारियाँ जो हैं वो नाश्ते की हैं। अभी क्या बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, और अभी नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि खाना कब लगेगा। और ये जा रहा है हमारा ओवन में। जी ये बनके बिल्कुल रेडी हो गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थे, बहुत अच्छे बने थे। रूमा ने पेटीज़ बहुत अच्छे बनाए थे, पेटीज़ क्या वो ब्रेड, चिकन ब्रेड कह रही थी। और यहाँ गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे तो जी उसके बाद रह गया था पुलाव, तो जल्दी जल्दी हमने पुलाव को भगाड़ लगाया फटाफट क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर तब आपको पता है जब मेहमान आ जाते हैं तो सोचा उनके साथ दा। तो अब शुरू हो गई थी ईद की लेन देन और ये देखे बस ये ईद पे फौरन से नाश्ता लग गया था, नाश्ता लगा लिया था हम लोगों ने कि जल्दी से नाश्ता लगा दे क्योंकि अगर नाश्ता लेट हो जाता है तो फिर खाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये देखिए दावत के बाद के हालात, अभी हमें पूरा घर समेटना है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए और बच रहे हैं अभी, देखिए और ये हमें समेटना है। और ये थी लेट नाइट क्रेविंग मीठे की, जो कि सबको फिर तलब हुई कि मीठा खाया जाए और ये चार बज रहे थे जिस वक्त इन लोगों को ये मीठे की तलब उठी थी और ये सब ऐसे खा रहे थे जैसे इन लोगों ने कुछ खाया ही ना हो। ये देखिए ज़रा, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए हमारा घर साफ़ सुथरा हो गया था, सब कुछ समेट लिया था और यहाँ अंधेरा हो गया था क्योंकि ऑलमोस्ट चार बज चुके थे हमें समेटते समेटते। ये देखिए ये मस्जिद है हमारे बिल्कुल घर के सामने। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।